मोस्टली बच्चे आ गए पार्टिसिपेंट्स। देखें आप लोगों, आप असल चीज ये है कि मैंने इवन के जिन बच्चों ने मुझे काम करके दिखाया है उन बच्चों को मैंने रेफरेंसेस इमेजेस भेजे और इतना तक कह दिया है कि भाई कहीं से कोई लोगो देख लो, वही बना के दिखा दो। इस बात का पता क्या क्या कहते हैं, इस बात को ये कहते हैं कि आपको सब कुछ आता है लेकिन उसके बावजूद आपका टीचर आपसे हार गया और वो आपको कह रहा है कि कुछ भी मिलता है यार तुम बना लो। बिल्कुल सर, तो आज सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि आपको इंस्पिरेशन आज भी देखें। मैं जरा इलस्ट्रेटर ओपन करता हूं। आपको मेरे ख्याल से तीसरा लेक्चर था आपका हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। अब मुझे बताएं, आप लोग 57 स्टूडेंट्स यहां पे मौजूद हैं और जितने अभी नहीं हैं 151 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और जो नहीं है वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे इंशाल्लाह। जब वो देखेंगे तो उन्हें थोड़ा सा ख्याल आएगा कि सर ने बिल्कुल जेन्युइन बातें की हैं। और वो बातें क्या हैं कि आप लोगों को प्रॉपर बताया गया है कि आपने कैसी प्रेजेंटेशन बनानी है, उसके बावजूद आपको प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आई, आप उसके बावजूद अपने लोगोस मुझे ऐसे भेज रहे हैं कि उन्हें देखने का भी दिल नहीं चाहता, उसके अंदर ऐसे कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका कलर कॉम्बिनेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन, सब चीजें आपकी कलर स्कीम डिसाइड करती है। अगर आपकी कलर स्कीम वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप लोग पिन इंटरेस्ट पे जाएं, आपके पास यहाँ पर पिन इंटरेस्ट मौजूद है, पिन इंटरेस्ट पे जाएं, पिन इंटरेस्ट पे जाके अपने डिजाइन से रेलिवेंट। अब आपको अगर फर्ज करें किसी को एजुकेशनल, बहुत सारे बच्चे जो एजुकेशनल सेक्टर के लोगोज बना रहे हैं, एजुकेशनल वेक्टर लोगोज, यहाँ पे देखें कितने मजे के सॉफ्टवेयर क्या नाम है वो पड़े हुए हैं, लोगोस पड़े हुए हैं। आप यहाँ से पिक करके कोई लोगो नहीं बना पा रहे, आप यहाँ से पिक करके कोई चीज नहीं बना पा रहे, आप एडवांस लेवल पे जाके क्या करोगे? एडवांस लेवल पे पहुंचना देखें कोई मुश्किल का वो मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम ये है कि आप पूरे प्रोसेस से गुजर के अपनी चीजों को सही तरीके से बना सकें। आप देखें चीजें ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, आप एक चीज बना ही नहीं पा रहे, आप वो भी छोड़ें, बनाने की बात को भी छोड़ें, आप अच्छी चीज जज नहीं कर पा रहे, पिक नहीं, मसला तो यही आ रहा है ना कि आप लोग पिक नहीं, फिर इसका मतलब है कि आप लोग जो चीजें बना रहे हैं वो पिक नहीं सही कर पा रहे। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे उसकी मुझे रीजन समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया कि आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स के पेजेस बेशुमार हैं जो डेली बेसिस पे दुनिया जहां के ए टू जेड आपको गाइड करते हुए बता रहे हैं लोगों कैसे बनाना है, वहां से रेफरेंसेस निकालें, मतलब कुछ स्ट्रगल तो करें। आप एक लोगो बनाने के लिए मुझे कोई भी, अगर मैं किसी से उसका पूछूं कि उसने क्या पीछे वर्किंग की है, तो आपके पास एक फोल्डर नहीं होगा। आप कैसे लोगो जनरेट कर लेते हैं यार? आपको 20,000 रुपए कोई क्यों देगा? आपको अपनी कंपनी का काम कोई क्यों हैंडओवर करेगा? इतने नए लोगों को क्यों देगा जिसे ये नहीं पता उसने अपना लोगो कैसे ढूंढना है, अपने वर्किंग कैसे करनी है, उसे बनाना नहीं आ रहा। कोई स्कर्ट का काम कर रहा है, कोई ब्रांड का काम कर रहा है, उसे ब्रांड के लोगो नहीं बनाने आ रहे। बहुत मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। तो उसके लिए तो फिर ये है कि भाई आपको सॉफ्टवेयर बंद करके सो जाना चाहिए, इससे अच्छा आप नींद पूरी करें, वो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप कोई लोगो उठा लें, आपको जो जो नहीं समझ आ रहा, अगर किसी को कोई फैशन के मुतालिक चाहिए, फैशन का निकाल ले यार, फैशन वेक्टर लोगोस।
आपके पास एक 99 ग्राफिक डिजाइन की वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगोस ढूंढ सकते हो, लोगो डिजाइन यहाँ पे आप जी जी आपके पास सारे लोगोस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से कोई रेफरेंस निकाल लो यार, यहाँ से कोई पसंद आता है आपको, ये पसंद आता है तो आप कोई भी स्क्रीनशॉट लें अपने मोबाइल पे देख लें, वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जब काम करने लगे वो स्क्रीनशॉट अपने आप को मेल कर दिया करें या व्हाट्सएप पे एक दूसरे अपने आप को सेंड कर लिया करें, तो ये आप इजीली आप उधर से रेफरेंस लेके यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। अगर आपको कलर स्कीम पसंद आ रही है, ये देखें ना कितने मजे की कलर स्कीम है, ये उठा लें आप देखेंगे इसमें कितने कलर्स नजर आ रहे हैं, आपको दो कलर से ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप लोग खुद बताएं कि आपके डिजाइन के अंदर कितने कलर्स होते हैं, किसी के 10 कलर हैं, किसी के 4 कलर हैं, किसी के 5 कलर हैं, कोई टूटी फ्रूटी का डिजाइन है, इस तरह के ग्रेडियंट भी नहीं देते लोगोज के अंदर। देखें ये जो लोगोज होते हैं ये एक जगह पे प्रिंट नहीं होने होते, कभी इसने बॉक्स पे प्रिंट होना है, कभी इसने एनवलप पे प्रिंट होना है, कभी इसने बिलबोर्ड पे प्रिंट होना है, तो हम कभी भी ग्रेडियंट वाले शेड्स नहीं यूज करते ये, ताकि जब वो प्रिंटिंग में हो तो उसके अंदर इश्यूज ना आए। तो हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि हम ऐसे कलर्स को लें फर्ज करिए जी ये आपको जी लोगो पसंद आ गया, ये लोगो आपको बनाना है, इसमें क्या मसला है, इसको सेव करें, डेस्कटॉप पे अपना एक पेज बनाएं, डेस्कटॉप पे लोगो इंस्पिरेशन का लोगो इंस्पिरेशन का अपना एक फोल्डर बनाएं और यहाँ पे अपनी एक कलेक्शन बनाएं। यहाँ से जी आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन पसंद आता है वो उठा लें, अगर आपको कोई लोगो पसंद आ रहा है ये जी लाइक माइंडेड, ये देखें कितने मजे का लोगो बना था, इसे सेव कर लो। फेसबुक वैसे भी मैं यूज नहीं करता, तैयबा बतूल सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, फेसबुक पे मोहम्मद अनस के नाम से है प्लीज सर, मैं कर लेता हूँ लेकिन मैं फेसबुक यूज ही नहीं करता, अगर आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कर सकते हो या फिर क्या नाम है आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। सर इसमें कर्व वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, अभी तो आपके कर्व वाले मसले ही नहीं खत्म हो रहे भाई, कर्व वाला कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा, किसमें नहीं आ रहा, सिलेक्ट टूल के साथ, सिलेक्शन टूल के साथ जब हम कर्व वाले ऑप्शन नहीं आ रहा, सर कौन सा कर्व वाला ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे भाई, ये आपने बॉक्स लिया, ये वाले कर्व वाले ऑप्शन नहीं आ रहे, ये वाले कर्व यहाँ पे नहीं आ रहे, तो आपके पास यहाँ पर कॉर्नर्स को राउंड करने वाला नहीं आ रहा, तो आपके पास यहाँ पर अगर आप सिलेक्शन टूल लेते हैं अपनी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर आ रहे होते हैं, यहाँ पे कॉर्नर लिखा हुआ आ रहा होता है, आप वहां से कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका कोई ओल्ड वर्जन है जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा होगा, ओल्ड वर्जन के अंदर ये नहीं है, लेटेस्ट वर्जन कर लें उसके अंदर आपको ये कर्व वाला ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। खैर ये मेरा अभी डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, आप लोग मेरी डिस्कशन को होल्ड कर देते हैं फौरन, आप लोग अब इन चीज़ों को समझें कि आप लोगों ने अगर मुझे एक छोटी सी चीज़ भी प्रेजेंट करनी है तो आपको तरीकाकार आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भेजने का तरीका क्या है, फर्ज करें आपका आपका ये लोगो है तो आपको सेम एज इट इज पैटर्न पे आपके पास प्रोसेस वर्क मौजूद होना चाहिए, आप उसके नीचे अपने स्टेप्स को मेंशन करें, अपने लोगों का नाम लिखें, उसके बाद आप उसकी थोड़ी सी ब्रीफ लिखें, इतनी तो इंग्लिश सबको आती होगी कि अपने लोगों के बारे में बता दें कि सर मैंने इंस्पायर होके फर्ज करें अल्फाबेट ई और अल्फाबेट पी से मैंने इंस्पायर होके मैंने अपना एक लोगो बनाया है, तो ये सर उसका लोगो है, या आप
किसी एजुकेशनल सेक्टर का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल सेक्टर का नाम लिखें, उसके बाद नीचे लिखें सर ये मेरा एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से मैंने अपना एक थीम बनाया है जिसका लोगो ये है, इसके लिए मैंने अपने कलर्स कॉम्बिनेशंस ये रखे हैं, कलर कॉम्बिनेशंस के लिए सिंपल दो बॉक्स बना लें कि सर ये कलर कॉम्बिनेशंस हैं जो मेरे थ्रू आउट क्या नाम है थ्रू आउट उसमें चलेंगे, ब्रांड में चलेंगे और मैं इन्हीं ब्रांड्स पे रहते हुए अपना कलर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अब कलर कॉम्बिनेशन के लिए फर्ज करें मैं यहाँ पे आज आपको बता रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका कार क्या है, उसको देख लें समझ लें और उसके बाद उसी पे इम्प्लीमेंट करें। और सबसे पहला काम होता है आपका लोगो डिज़ाइन, उसके बाद स्टेशनरी स्टेशनरियाँ लेआउट वगैरह बन जाती होती हैं, लेकिन आपकी सबसे पहली चीज़ बुनियादी चीज़ ही गलत है तो बाकी चीज़ें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपने साइज़ ले लिया और उसे सिंपल क्रिएट कर लें, और क्रिएट करने के बाद फर्ज करें हम वहाँ से ये वाला लोगो यहाँ से उठा के लेके आ जाते हैं। तो इसको उठा के लेके आने का क्या तरीका है, यहाँ पे हमने इसके लिए क्या बनाया हुआ था, फोल्डर बनाया था लोगो इंस्पिरेशन का, मेरे भाई इसको उठा के फर्ज करें आपको ये पसंद आ गया, आप इसको उठा के अपने कैनवस पे ले आए। कैनवस पे लाने के बाद आपको इसके ऊपर से ट्रेसिंग अगर करनी है तो आप सिंपली ट्रेसिंग कर सकते हैं। इसको फर्ज करें आपने यहाँ पे रखा और कंट्रोल टू प्रेस कर दिया, कंट्रोल टू से क्या होगा ये हिलेगा नहीं, अब आप इसके ऊपर से इजीली अपनी शेप के साथ कोई भी चीज बना सकते हैं। इसके कलर को यहाँ से नन कर दें और इसको एग्जैक्ट इसी के साथ अगर बनाना है तो आप बिल्कुल इसके ओवरलैप कर, और यहाँ पे मैं सर्कल ले रहा हूँ, इसी सर्कल को मैं दो कर रहा हूँ और एक को मैं कलर कर रहा हूँ जिसका ये पर्पल, और दूसरे को मैं जी कलर दे रहा हूँ, दूसरे को क्लिक किया और यहाँ से मैं कलर दे रहा हूँ ये वाला, यहाँ से डिलीट कर दें और इसको यहाँ से इसकी नॉट को यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से डेल करें और इसको उसके पीछे ही रखना है, उसके पीछे रहने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़ा बहुत अगर सेट करना है तो आप इसके एंकर पॉइंट्स को सिंपल क्लिक करें और क्लिक करके इसको उठा के यहाँ पे रखें, यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पे रखें। ये आपके पास हैंडल आ रहा है, इस हैंडल की मदद से आप इसको इसकी शेप एक्यूरेट कर सकते हैं। ये आपका एंकर पॉइंट बाहर जा रहा है, इस पर क्लिक करें, क्लिक करके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करें, ये काफी अंदर है तो इसको क्लिक करें और इसको बाहर की तरफ करें। ये जी फर्ज करें हमारे तीन कलर्स हैं और इसके ऊपर रहते हुए हमने अपना काम करना है। यहाँ से पहले हम ये एम को कॉपी कर लेते हैं, एम को कॉपी करने के लिए से अपने कलर को बेशक बंद कर लें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, आपको तंग ना करें। और इसी को आप आगे की तरफ कॉपी करें, जो आपने ये बनाया एक शेप ये आपने आप आगे कॉपी कर ली, उसके बाद आप इसको यहाँ से सिंपली पेन टूल से ड्रॉ कर लें। अगर किसी से मुश्किल लोगो नहीं बन रहा वो सिंपल, ये कितना सिंपल लोगो है, पेन टूल आपने स्ट्रेट स्ट्रेट यूज करना है, आपसे ये भी नहीं बन रहा तो उसके बाद भाई आप सॉफ्टवेयर छोड़ें, आप कुछ और खेल खेलें, आपका काम ही नहीं है ये करना।
अगर तो सीखना है फिर लग के सीखना पड़ेगा आपको भाई, आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा राउंड चाहिए, आप सिंपल अपनी शेप जो आपने बना ली है, इसको यहाँ से आपके पास ये चारों साइडों से हो रहा है, इसको अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ ये दो साइडें इन पे क्लिक करें और इसको हल्का सा राउंड करें, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके सबको राउंड करना है थोड़ा सा, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब ये शेप्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके मैं मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से सिंपल मैंने कलर फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुप भी ना करें सिंपल अभी उठा के यहाँ पे ले आए, इसको थोड़ा एक्यूरेट करना है तो आप इसको एक्यूरेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे इसको एक्यूरेट करना है तो मेरे पास यहाँ पे स्मूथ टूल है, और स्मूथ टूल से मैं पहले अपनी शेप सेलेक्ट करूंगा, स्मूथ टूल पे जाऊंगा और स्मूथ टूल की मदद से मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर रहा हूँ। इसको उठा के दोबारा मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये जी आपका लोगो बन गया। इसको मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये ग्रुप हो गया, मैं इसे कहीं भी उठा के ले जा सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। अब मेरा आप लोगों से गुजारिश ये थी कि आप जो नीचे फॉन्ट यूज करते हैं, अपने लोगों का नाम लिखते हैं, वो कोशिश किया करें वो स्ट्रेट फॉन्ट आप लें, स्टाइलिश फॉन्ट ना लें। वो आपके स्टाइलिश फॉन्ट का इश्यूज ये होते हैं, जब आप वो प्रिंट करते हैं डिफरेंट मीडियम के ऊपर उसमें प्रिंट होना होता है, अगर वो प्रिंटिंग इश्यूज क्रिएट करते तो आपके लोगों का फायदा नहीं होता, आपको दोबारा से नए सिरे से उतनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए आप लोग स्ट्रेट फॉन्ट रखें, क्योंकि नाम जो होता है, जो शनाख्त होती है, आप कोशिश करते हैं कि आप अपने नाम से लोगों को मुतारिफ करवाएं। आपका लोगो जो होता है वो किस लिए यूज होता है, वो मुतारिफ करवाने के लिए यूज होता है, और मुतारिफ करवाने के लिए आप चाहते हैं कि उसके व्यूवर की आई से आप बार बार उसे गुजारें। आप जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लोगोज देख लें, वो एक फॉन्ट फॉन्ट है, मैकडोनल्ड्स का देख लें, सबवे का देख लें, ये सारे एक फॉन्ट्स के ऊपर बेस करते हैं, कोका कोला का देख लें, पेप्सी का देख लें। वो क्यों ऐसा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो अब व्यूवर की आंख के अंदर वो चाहते हैं कि हमारा नाम देर तक उनके जहन में छपा रहे, उनके जहन में रहे। तो उसके लिए हम कोशिश क्या करते हैं, फर्ज करें आपको ये कलर चाहिए लोगों का, तो आप इसके साथ कलर कम्बिनेशन, इसी कलर कम्बिनेशन को कहीं से इंस्पायर होकर आप चलाना चाह रहे हैं तो आप वही कलर कम्बिनेशन चलाएं, आप नाम अपना यूज करें। फर्ज करें यहाँ पे आपका जो नाम है, ये किसी जो ब्रांड है, ये किसी इसका नाम रख देते हैं, एम से कोई नाम सोच लें, मूनलाइट, मूनलाइट कर लें। और उसके बाद इसके नियर कोई फॉन्ट ढूंढ लें जो आपको लगे कि इसके नियर है, जो कि ऑलरेडी यूज किया हुआ है डिजाइनर ने, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसके नियर ही कोई फॉन्ट को यूज करें। इस तरह के स्टाइलाइज फॉन्ट्स जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ये डिफरेंट ये होते हैं, लेकिन ये ब्रांड्स टू ब्रांड्स वेरी करते हैं। अगर किसी की कोई बुटीक है वो अपने लिए ये इस तरह का लोगो या इस तरह का फॉन्ट यूज कर सकता है, लेकिन अगर कोई कंपनीज वगैरह है या कोई ऐसी कंपनी है खाने की है कोई वो है, तो कोशिश करें कि इस तरह के फॉन्ट यूज ना करें, क्योंकि आपको आपको यही कलर चाहिए, आप इसको क्लिक करें, आई प्रेस करें और यहां से कलर पिक करें। इसको अगर आपने अलाइन करना है, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और ये आपके पास सेंटर लाइन, ये बिल्कुल सेंटर में आ गए, ये टेक्स्ट इसकी लोगो के सेंटर में आ गए। अब आपको नीचे कोई भी टेक्स्ट देना है, आपको फर्स्ट करें इसकी मून लाइट, जो आपका ब्रांड है, ये कपड़ों का ब्रांड है, क्लोथ्स ब्रांड है, तो
तो आप इसके नीचे एक टैग लाइन देते हैं। टैग लाइन के लिए अगर किसी को नहीं मिल रही, वो गूगल पे चला जाए, फैब्रिक टैग लाइन लिख ले यहाँ पे, टैग लाइंस क्लोथ्स, हर चीज आपके पास मौजूद है। स्टे क्लासी लिख दें, ये लिख दें स्टे इन फॉर स्टाइल, या ये वॉक इन फॉर द फैशन। खैर ये बहुत ही इसके बीच में थोड़ा सा आप क्या नाम है गैप दे सकते हैं। सबको सेलेक्ट करें, ऑल्ट प्रेस करें और अपने कीबोर्ड से राइट पे क्लिक करेंगे तो इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अगर ये नहीं करना आपको तो आप इसको क्लोज कर लें और एक साइड के ऊपर इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें और यहाँ से इसको दोनों पॉइंट्स को आपने क्लिक किया और इसको अलाइन करना है लाइन, और इसको राइट अलाइन कर सकते हैं। इसको आप उठा के जी यहाँ पर ले आए, अपने दो कलर्स रखते हैं जिसके अंदर अगर आपका लोगो ब्लैक के ऊपर आए तो कैसा लगे, या आपके ब्लैक बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर कैसा लगे, और अगर आपका व्हाइट बैकग्राउंड है तो उस पर कैसा लगे, तो इसको आप थोड़ा सा स्टाइलिश बना दें। इधर से आप इसका स्ट्रोक बढ़ा दें और इसको डॉटेड लाइन कर दें। आप कहते हैं जी अगर मेरा बैकग्राउंड ये हो तो उसको पहले ग्रुप कर लें सबको, और ग्रुप करके इसको उठा करके उसके ऊपर ले आए और इसको कंट्रोल शिफ्ट और पी के साथ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे तो ये आप, अगर आप इस कलर के ऊपर भी जा रही और तो आपको इसके साथ कलर इसके चेंज करने पड़ेंगे, आपको वाइट करना पड़ेगा। प्रेस करें यहाँ पे कौन से उन्होंने कलर यूज किए हैं, उन्होंने वाइट कलर के साथ दो कलर में उसे रखा है। अगर हमारा डार्क कलर आ जाए तो हम कोशिश करेंगे कि हम वाइट में जाएंगे।
तो ये आपने अपने क्लाइंट को खुद से इंडिकेशन देनी होती है कि भाई अगर आपके पास बिल फर्स्ट कि अगर हमारे पास डार्क कलर होगा तो हम इस कलर स्कीम पे जाएंगे, और अगर हमारे पास ये क्या नाम है ग्रे कलर होगा तो हम इस कलर स्कीम पे जाएंगे। तो ये आपको खुद से बताना होता है अपने क्लाइंट को। वो बिल्कुल ही लेमैन है, आप डिजाइनर हैं तो आपने उसे डिजाइन करके देना है, तो आप उसे इस तरह डिजाइन करके देंगे। इट्स अप टू यू, जो आप कलर डिसाइड कर लेते हैं उन्हीं कलर पैटर्न पे फिर आप वर्क कर देंगे। उसके बाद जी आपने अपने कलर पे अपने लोगो के अंदर क्या यूज किया उसके बारे में कोई डिटेल देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसको थ्री लाइनर में पैराग्राफ में इसको सेंट्रल लाइन करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, सेंट्रल लाइन कर सकते हैं। इनका गैप को अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्लिक करें, ऑल्ट प्रेस करें और इसके गैप को थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये जी आप इसको थोड़ा सा लाइट करना चाह रहे हैं तो आप इसके कलर को लाइट कर सकते हैं, कलर ब्लैक क्लिक किया। यहाँ पे आप मेंशन करना चाह रहे हैं जी हम हमेशा हमारा जो ब्रांड है वो इन तीन कलर्स पे चलेगा। ये आप खुद से अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपका कलर अगर ऐसा होगा तो आपको इस तरह इस पे चलना है। तो आपके कौन से तीन कलर्स हैं, एक तो ये आपका यूज होगा, उसके बाद एक ये कलर है और उसके बाद आपका ये वाला कलर है जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो ये तीन कलर्स हैं और इन कलर्स के फर्स करें आप नाम देना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसका नाम भी दे सकते हैं। इधर आप अपना फर्ज करें कोई असद है वो अपने बारे में यहाँ पे लिखे ब्रांड नेम, मूनलाइट के बाद आती है आपकी प्रोडक्ट कि आपका जो ब्रांड है वो बनाएगा क्या। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फैब्रिक या क्लोथ्स, बेशक आप इसे भी सेट ना करें, इसको आप एक ही अलाइनमेंट में एक ही दफा में आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें आपकी प्रोडक्ट हो गई, आपका वो हो गया, आपका नाम फिलहाल के लिए जब तक आप लोग क्लासेस ले रहे हैं तो आप अपना नाम मेंशन करें सतफान। और उसके बाद अपना बैच बताएं, बैच 10।
आज मैं आपको दोबारा से एक तरह से समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहला लेक्चर दे रहा हूँ आपको, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया था, और आई होप इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसे प्रॉपर ऑन करेंगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे और आइंदा से ख्याल रखेंगे कि ये सर हम, और ख्याल किस तरह रखेंगे कि आप लोग अपनी इस गलती को तस्लीम करें, और तस्लीम करने के बाद आप दोबारा से जिस तरह मैंने आपको काम बताया है इस तरह करके मुझे दिखाएंगे, और दिखाने के बाद आपकी एक्सेप्ट होगी जो भी आपकी मिस्टेक है। तो दिस इज अ वे ऑफ योर प्रेजेंटेशन, कोई भी काम करने का कोई भी तरीका, फर्ज करें अब आपको ये काम कंप्लीट हो गया, आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, डेल करें इसको, कंट्रोल आल्ट टू, इसको यहाँ से डिलीट करें, इसको यहाँ से डिलीट करें। अब जिन बच्चों को मैंने रेफरेंसेस भी भेज के समझाने की कोशिश की है, उन्होंने उसको एक नज़र देखा और पशे पुश डाल दिया और दोबारा से वो मिस्टेक की जिसके ऊपर वो कैरी थे, जिसके ऊपर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो दिस इज नॉट द वे, आप लोग प्रोफेशनली अगर किसी के साथ चलते हैं तो आपको एथिक्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये चीज। अगर आप लोग अगर मेरी पहली नसीहत पे चल रहे होते कभी भी आपको इशू ना होता। वो पहली नसीहत क्या थी, जब भी आपका लेक्चर हो आप अपने पास नोटबुक रखें और उस लेक्चर के हवाले से पॉइंट्स बनाते रहें कि आज सर ने ये पढ़ाया, विजिटिंग कार्ड के बारे में पढ़ाया, कलर्स के बारे में पढ़ाया, और हल्के हल्के उसके आइकन्स भी जो पेंसिल से आप हल्का फुल्का स्केच कर सकते हैं वो भी कर लें, ताकि आपको रिविजन रहे कि हाँ यार उस टाइम पे सर ने ये पढ़ाया था। तो ये चीजें होती हैं अपनी क्लास की, क्या नाम है, चीजों को तरीका जो होता है एक अच्छे, जो कहते हैं ना जो पास आउट जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नोट्स ऐसे बनाते हैं, और ये नोट्स बनाने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ये तो आपको नर्सरी में से जब आप छोटे होते थे 8वीं 9वीं के अंदर आपके टीचर्स बताते थे कि इस तरह अपने नोट्स बनाए, तो वो यही तरीका था और आज भी वही तरीका चलता आ रहा है कि आप लोग जब भी कोई लेक्चर लेने जाते तो अपनी स्क्रीन से फोकस नहीं करते, आप सिर्फ टीचर की बात सुनते हैं और उन पॉइंट्स को लिखना शुरू करते हैं और लिखते लिखते एट द एंड अपनी चीज बनाते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बताएं कि विद इन अ फ्यू मिनट्स, आज मतलब कि इस वक्त तक 40 मिनट्स हो गए हैं जिसके अंदर से ज्यादा टाइम मैंने आज आपको समझाया ही है, आज मैंने यही बताया कि आप किस तरह स्क्रैच से अपनी चीज बना सकते हैं। अब फर्ज करें मैंने यहाँ पे एम लिखा है, आपका कोई ब्रांड है, अगर आप उसका यहाँ पे कोई नाम लिखते हैं या उसको उस करेक्टर को, अब फर्ज करें यहाँ पे मैंने एम लिखा है ना, आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे एस, तो आप यहां पे जाएं और यहां पे लिखें एस कैरेक्टर लोगो, एस कैरेक्टर लोगो, या लिख दें एस अल्फाबेट लोगो, एस अल्फाबेट लोगो। एस के हवाले से आपको कोई भी यहाँ पे चाहिए हो तो आपको एस की एस ही में आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर यहाँ पे नहीं आ रही आप गूगल पे कर लें, गूगल पे नहीं आ रही तो आपको जो वेबसाइट बताइए 99design.com पे सर्च कर लें तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी एस अल्फाबेट लोगो, ए अल्फाबेट लोगो, ए से रेलिवेंट जो आपके पास शेप्स हैं वो निकल के आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें ये ए का ये आप बना के उस शेप के ऊपर लगा सकते हैं, अगर किसी का कोई ए से रेलिवेंट ब्रांड है, कोई ए से कुछ बनाना चाह रहा है वो यहाँ से बना सकता है, अगर किसी को अपने नाम को लेकर कोई चीज बनानी है तो वो यहाँ से पिक कर सकता है कि इस तरह का कोई नाम उठाए और उसके बाद वो अपने नाम के साथ एडजस्ट करे और चल सो चल भाई ये मौन है उसकी, तो यहाँ से आप अल्फाबेट्स के साथ अपनी चीज बना सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको कितनी हद तक 100% में से आपके पास 100 का स्केल है उसमें से कितनी चीजें आपको समझ आई। आज आपको कितने परसेंट समझ आया है, आज भी 65 जान अफसर साहब अभी भी आपको 65% आया है। चलो सारे मिलके असफर के लिए दुआ करो अल्लाह मियां इसको 100% तक लेकर जाए। जिनको 100% आया है मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली दफा वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया भाई अगर किसी को ऐसे ही बनाना है जैसे आज मैंने सिखाया ऐसे ही बनाना है तो भाई ऐसे भी बना के मुझे दिखा दो, मुझे कोई मसला नहीं।
लेकिन कलर स्कीम को दो कलर्स में रखें। अब यहाँ पे क्या है, मैंने तीसरा कलर ऐड भी किया तो बुरा नहीं लग रहा। अपने कलर्स कॉम्बिनेशंस अच्छे बनाएं, अगर अच्छे नहीं मिल रहे कहीं से रेफरेंस लें, अगर रेफरेंस भी नहीं मिल रहे फिर मुझसे रब्ता करें, फिर मैं आपके लिए स्पेशल किस्म की दुआ करूंगा, फिर शायद आप या तो सॉफ्टवेयर बंद करके भाग जाएंगे या फिर आप करेंगे तो नीयत अच्छी करके अपना काम करेंगे। यार कोशिश बहुत बहुत बच्चे बहुत अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं, मैं उनको कोई डिसहार्ट नहीं कर रहा, मेरा मकसद यही है कि आप लोग दोबारा से हिम्मत बांधें और दोबारा से फुल एनर्जी के साथ दोबारा आएं और अपने स्क्रैच से शुरू करें और अपने डिजाइन को थोड़ा मेच्योर करें। अब आपका जो डिजाइन है वो मेच्योर होना चाहिए। आपको आपको यहाँ तक के आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से कोई चीज ढूंढते हैं, उसे ढूंढ के अपने काम में यूज कैसे करते हैं, उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, आपको एक एक चीज बता दी है। उसके बावजूद देखें, उसके बावजूद क्या बात रह जाती है, उसके बावजूद ये बात रह जाती है कि आप डिजाइन अच्छे देख नहीं रहे। सिर्फ एक बात रह जाती है कि आप लोग डिजाइन अच्छे पिक नहीं कर रहे। अगर तो ये मसला है फिर तो बहुत बड़ा मसला है, फिर तो ये है कि आपको अभी तक यही पता नहीं चला कि अच्छा डिजाइन कौन सा है और बुरा डिजाइन कौन सा है। तो आपकी पहले तो चूज करने की सलाहियत को बढ़ाना पड़ेगा, चूज करने की। देखें अब मुझे बताए ना, अब ये अगर मैं चूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं पिन इंटरेस्ट पे गया हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कैफे लोगोस। अब यहां से आपको ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है? अब आप ये देखें कि जितने भी बड़े बड़े डिजाइनर्स ने अपना काम यहाँ पर छोड़ा हुआ है वो कितने कलर्स में, अपने ईमानदारी से बताएं कि यहाँ पे ये कितने कलर्स में, यहाँ पे क्या लिखा है उसने, CAFE, और उसके ऊपर उसने एक नुक्ता सा डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, एक इमेज शेप दे दी है और पीछे मार्बल, मार्बल की इमेज उसने निकाली है और मार्बल की इमेज के ऊपर अपना लोगो रख के उसने प्रेजेंट कर दिया। क्या ये बुरा लग रहा है? अगर आपको ये ही नहीं पता, ये आपको अच्छा लगा, आपको इनमें से लग कौन सा अच्छा रहा है? हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे। ये कैसा लग रहा है आपको? अगर आपको ये अच्छा भी लग रहा है तो आपको इसको कलर कौन से देने चाहिए? ये देखें कितने मजे का लोगो है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर उसने दिया हुआ है। अगर इसके अंदर वो ड्रॉप के अंदर एक और कलर ऐड कर देता है तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा लगेगा। सिर्फ इसको वो कलर कर दे, सिर्फ कॉफी को वो कलर कर दे, बाकी चीजों को व्हाइट रहने दे, सिर्फ एक कलर ऐड कर दे तो चलेगा। तो ये होती है कलर स्कीम बनाने का तरीका। अब ये देखें, ये अगर मेरी नजर में इस डिजाइन को देखा जाए, ये पैथेटिक डिजाइन है, हालांकि उसने कोई इतने बुरे कलर भी यूज नहीं किए हुए, लेकिन इतना बड़ा लोगो नहीं होता। ये सॉरी, ये वाला नहीं कह रहा, पीछे एक आ रहा था, ये वाला लोगो। इस कभी भी लोगो के अंदर इतनी डिटेल नहीं होती, कभी भी लोगो के अंदर इतनी स्टाइलाइजेशन नहीं होती कि इतने स्टाइल मारे हुए हों, कभी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजाइंस नहीं होते। अब ये किसी अच्छे डिजाइनर ने बनाया होगा, लेकिन ये डिजाइन मेरी नजर में फेल है, मैं इसे कभी भी ना बनाऊं। तो यही चीज होती है, आप सिलेक्ट करते हैं और अपनी कलेक्शन बनाते हैं। तो अपनी एक आदत बनाएं, 10-20 मिनट आप सिर्फ रिसर्च पे टाइम लगाएं। जितनी सॉलिड आपकी रिसर्च होगी उतने अच्छे आपके डिजाइन होंगे। अगर आपकी रिसर्च वीक है, आप सिर्फ सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे आते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप कभी भी अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। आप सिर्फ सिंपल सिस्टम पे आते हैं और अपना सिर्फ काम शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आप कभी भी अच्छे डिजाइनर नहीं बन सकते। ये बात अपने कान में बिठा लें, गौर कर लें इस बात के ऊपर, जितना कहीं लिख कर लगा लें, आते जाते उसको पढ़ें ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। ये देखें, ये आपके पास लोगोज हैं, डिफरेंट लोगोज हैं, फूड की बात हो रही है, आप लोग यहाँ पे आते सर्च करते फूड के हवाले से, कोई यहाँ से कोई पिक करके अपना आइडिया बना लेता। ये देखें, एक थर्मोस दिया हुआ है, थर्मोस के साथ उसने कॉफी लिखी हुई है, ये बना ले कोई, अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं है। ये देखें, उसने एक स्पैरो बिठाई हुई है, स्पैरो के साथ प्ले करके उसने एक मजे की शेप बनाई है, ये बना लें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि जब जब तक आप
आपको कलर स्कीम बनानी नहीं आ जाती, आपको शेप्स पे होल्ड नहीं आ जाता, तब तक आप खुद से कोई चीज क्रिएट करने का सोचे भी मत, आप नहीं कर पाएंगे। आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लें, आप कोई भी शेप खुद से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वीक है। आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी आपने कोई चीज सर्च करके बनाई नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपनी अपने लर्निंग प्रोसेस को बेटर करना पड़ेगा, अपने उस प्रोसेस को बेटर करना पड़ेगा जिसके जिससे गुजरकर कोई भी डिजाइनर या कोई भी मेंटोर अपने काम को फाइन ट्यून कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों को अगर अब कोई सवाल है तो आप लोग वो कर सकते हैं, ताकि हम आपके मैं उन सवालों का जवाब देके आपके लिए और मुश्किल को आसान कर सकूं। लोगों के डिफरेंट डिजाइन व्हाट्सएप पर पीडीएफ की फाइल में सेंड की है, कोई एक डिजाइन सिलेक्ट कर दे, फिर मैं उसमें से प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूं। नो क्वेश्चन सर, मिर्जा तो जवाब दे गया। मिर्जा ने कहा है भाई मेरी तरफ से तो जवाब है सर आपको, तो मेरा तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मेरी तरफ से आपको जवाब है। ठीक है मिर्जा भाई, सर आप फोटोशॉप वर्जन बता दें। फोटोशॉप वर्जन, उस्मान को फोटोशॉप का अभी तक वर्जन ही नहीं पता चल रहा कि वो कौन से फोटोशॉप वर्जन पे काम करे। तो आपका जो भी सिस्टम है, जो भी उसके स्पेक्स हैं, वो गूगल पे सर्च करें कि उसके साथ कौन सा अडोब फोटोशॉप कंपेटिबल है, कोई अडोब फोटोशॉप का वर्जन आप इंस्टॉल कर लें। मदिया कहती है सर किसी दिन आप पेपर पर स्केच करके लोगो अडोब इलस्ट्रेटर पर बनाना सिखा दें। हाय अल्लाह, बहुत मुश्किल है समझाना, ये इसी तरह ही मुश्किल है जैसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना। मींस कैसे पता चलेगा रिप्रेजेंटेटिव लोगो पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा? ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा महा। अगर आप फूड का कोई बना रहे हैं तो अगर आप फैशन का बना रहे हैं तो फैशन के लोगोज देखें कि आपसे पहले डिजाइनरों ने कौन से कलर यूज किए हैं, उन्हीं में से कोई कलर पिक कर लें। ये एक आपके लिए अच्छा हेल्प आउट हो सकता है कि आप ऑलरेडी डिजाइनर्स का काम के उन्होंने कैसे अपने, अगर किसी ने कॉफी का कोई कैफे का बना रहा है या कोई कॉफी का बना रहा है, तो उन्होंने रिलेट टू ब्राउन कलर या ब्राउन कलर के थीम के अंदर उन्होंने कोई चीज डिजाइन की हुई है, तो वो आपको कैसे पता चलती है? वो आपको इसी तरह पता चलती है कि आप लोग सर्चेस करते हैं। सर सर्चेस स्ट्रॉन्ग करें, बार बार मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप लोग देखने वाली आंख को स्ट्रॉन्ग करें, आपका काम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सर 10 मिनट्स लेफ्ट। थैंक यू लॉरेन। सर हमें खुद से सिलेक्ट करने का स्टेशनरी का क्या डिजाइन करना है, वही अगेन अगेन फैसल अमीन आप सवाल वही रिपीटेशन पे किए जा रहे हैं सारे। अभी मैंने पूरे प्रोसेस से गुजर के आप लोगों को दिखाया है कि कैसे गुजर के आप कोई चीज बना सकते हैं। अभी अभी मैंने गुजर के दिखाया है। उसके बाद भी अगर आपको ये बताना है कि सर कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी, तो ये मेरे लिए तो यार बड़ा मुश्किल है। उस्मान भट्ट साहब ने कहा प्लीज सर इनको आ जाएगा समझ, आप मिस कराएं। ठीक है उस्मान, सब यार मेरे भाइयों की तरह हैं और यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं वो मेरी बहनों की तरह हैं। मेरा मकसद ये है कि आप लोग किसी भी तरीके से जो मेरी अपनी अंदर की बात है वो मैं आप तक उतार दूँ, आप उस प्रोसेस से गुजरना शुरू हो, मेरा ये मकसद होता है। सर मेहनत करेंगे तो सब होगा, बिल्कुल सही बात की है जनाब मुताहिर बाजवा साहब, आपकी बात में 101% सच्चाई है कि मेहनत कशों को तो मेरा रब भी कभी नहीं भूलता। बिल्कुल यार मैं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा, जो लोग मुझे असाइनमेंट्स भेजते हैं मुझे उनका पता है, मैं उनको जवाब भी देता हूं, जो लोग नहीं भेजते मैं उनकी बात कर रहा हूं, या जो लोग काम नहीं कर रहे मैं उनकी बात कर रहा हूं। चलें अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है, मैं कंटिन्यूसली 3-4 लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी एनर्जी भी डाउन हो चुकी है, और आप लोग प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके अपना वर्क शेयर करें और कोशिश करें खुद से डिसीजन लेने की, खुद से डिसीजन पावर पैदा करें, अपने लोगोस खुद से फाइनलाइज करो। अब आज के लेक्चर के बाद हर चीज आपने खुद करनी है और स्टेशनरी ड्रॉ करनी है। अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कलर आपने कैसे पिक करने, अब से सिर्फ आप खुद से अपने लोगो सेलेक्ट करो और स्टेशनरी बनाना शुरू करो, जिसके अंदर विजिटिंग कार्ड बनाने, एनवेलप बनाने और लेटर हेड का साइज आप देख लो वो बनाना है।
तो ये चीजें आपने बनानी और शेयर करनी है, ठीक है? अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज।